लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। आप कहाँ जा रही हैं? मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे बाबा, अगर आप ऑफिस जाएंगी तो घर के काम कौन करेगा? बच्चों, अगर मैं घर पे भी रहूंगी तो क्या मैं बैठ के घर के काम करूंगी? अरे नहीं, वो भी आधे आधे कर लेंगे। तुम समझोगे नहीं, यहाँ पर इस तरह मालिक खुद अपने काम घर के नहीं करते। अरे बाबा, ये क्या बात हुई? अगर यहाँ घर के काम मालिक नहीं करेगा तो काम चलेगा कैसे? तुम देखो, समझो ये बात, ये गांव नहीं है, ये शहर है। तो बाबा क्या शहर दुनिया से बाहर होता है? वो तुम नहीं समझोगे। अब अच्छा, मुझे अब देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। लेकिन बच्चों एक बात याद रखो, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे फालतू में, और अगर किसी वजह से निकलना पड़ ही जाए ना तो अपना ये हुलिया ठीक करके निकलो। अरे बाबा, इस हुलिये में क्या बुराई है? इस कंधे के बगैर भी कुछ ठीक तो हो नहीं सकता। तुम बस अपना मुंह बंद रखना, समझे? ओ, कोई आया है, मैं देखता हूँ। तुम रुको यहाँ पे, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं देखती हूँ। अच्छा, कौन है भाई? ओफो, जाहिर होगी दरवाजा पीछे। ओ मैडम, किधर चली? अरे तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? अंदर जाने दे। मैं इस घर की मालिक हूँ, तभी रोकूंगी ना। अरे ये मेरे अदा का घर है, आ जा तू भी। अरे कौन है? हले आ लिया, हले आ लिया। अस्तान जो पानी वगैरह। अरे जरीना, तू यहाँ? अच्छा किया तू आ गई, वरना मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेला पड़ गया था। कोई बताएगा ये लकी ईरानी सर्कस हमारे घर में क्या कर रही है? आ जाइए, अपने आप को ईरानी सर्कस कहने की क्या जरूरत है? मेरे अदा को बुरा लगेगा। मैं अपने आप को छोड़ो। अरे ये जो है ना, वो मेरी छोटी बहन है जरीना। अब इस पैकिंग के अंदर क्या है मुझे क्या पता? अरे बाबा, खूबसूरत छोकरियों को देख के छोकरे पीछे लग जाते हैं, इसलिए मैं बुरखा पहनती हूँ। अब भाजा, ये बात तो हुसन वाले ही जानते हैं ना, सोनिया ना। मानी भूख लगी है, मानी तो घुराए। अच्छा मैं अभी बना के आया मानी। ये देख जरीना, ये देख। अच्छा किया था ये सब तुमने यहाँ पे बना लिया। अब जब भी मुझको गांव की याद आएगी ना, मैं यहीं आके बैठ जाया करूंगी। अरे जरीना, तुम भी कमाल करती हो, दो चार रोज से तुम यहाँ रहोगे उसमें भी तुम्हें गांव की याद आएगी। वाह। अरे तुमको किसने कहा है कि मैं दो चार दिन के लिए यहाँ आई हूँ? अच्छा तो शाम को ही चली जाओगी? भाई नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, एक दो रोज रुक जाओ फिर चली जाना। नहीं नहीं, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, कम से कम तेरे मरने तक। बच्चू, ये बुराई है, ये हमारे साथ रहेगी। आता इसने देखा है तुम्हारे सामने मेरे को बुराई कह दी और तुम चुप करके बैठे हुए हो। अरे बाबा, मैंने नहीं देखा है, मैं घास देख रहा था। अदा, तुमने देखा नहीं कि ये मुझे क्या बोली और तुम घास को देख रहे हो? अरे बाबा कोई बात नहीं, बोल भी तो भाभी ही रही है, भाभी और नंद में ये बातें तो चलती ही रहती है। बच्चू, अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं देखू पता नहीं क्या हो गया बेचारी को। बैठो। मेरा आधा तो जोरू का गुलाम हो गया है, अल्लाह साईं इन्हें कहीं था इतने। अरे बाबा सही है, आप दफ्तर नहीं जा रही हैं? गांव से पूरा का पूरा बाड़ा मेरे घर में आ गया, तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? लगता है आज आप कुछ गुस्से में हैं। नहीं तो क्या खुशी में मिठाई बांटूं? मतलब मैं समझा नहीं, ये जो मुझ पर नई मुसीबत मुसल्लत की गई है, इस पर मैं खुशी मनाऊं? आप कहना क्या चाह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो,
जब मैं अपने बाप को और तुम्हारे बाप को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकी, अब सोचो मैं तुम्हारी इस बहन को क्यों बर्दाश्त करूंगी। तो मैं क्या करूँ सही, आप ही बताएं। तो क्या मुझे सब कुछ तुम्हें समझाना भी पड़ेगा? हाँ बाबा है तो ऐसे ही। अच्छा ठीक है, तो फिर जाओ और जाके अपनी बहन को बोलो यहाँ से निकले, वापस जाए गाँव। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, वो भी अपनी बहन को? कैसे कह सकते हैं क्या मतलब, मैंने कौन सा कहा नाक से जाके बोले, मुंह से जाके बोल दूं उसको? मतलब हम तो घर आए मेहमानों को ऐसा नहीं कहते हैं, वो तो फिर भी अजाब है, कुदरत का भेजा हुआ अजाब है हमारे ऊपर। सीमा बेगम ऐसी बात तो ना करें ना। देखो बच्चू, उसको यहाँ से बोलो जाए और निकले अब। लेकिन बेगम, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, उसको यहाँ से भेजो, भेजो, खुद भी निकले यहाँ से, जाओ। क्या हुआ था, भाजाई को बोल दिया कि वो यहाँ से चली जाए? अरे बाबा ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, मेरी बेगम है वो। क्या मतलब है, और उसने जो मुझे कहा वो कुछ नहीं? नहीं। क्या नहीं? अरे मतलब मेरा, जरीना बात को समझने की कोशिश कर, इस घर की आधी मालकन है वो, और वैसे भी शादी के बाद बहने अपने भाइयों के घर में ऐसे कहाँ रहती है। अल्लाह साईं मुझे भा, अरे मुझे तो किस्मत ही खराब है, मुझे घर से जाने के लिए बोल रहे। अल्लाह साईं अल्लाह। जरीना जरीना खामोश हो जा, ये गांव नहीं है बाबा, ये शहर है, शहर है। मेरे आस्था बोलने से क्या सच कम हो जाएगा? अल्लाह साईं मुझे बुदला। अरे बाबा कौन भिखारियों की तरफ रो रहा है यहाँ पे? आ गई फिरौन की बेगम। अपने भाई को फिरौन बोल रही हो तुम? अरे जरीना ये क्या बोल रही है बाबा? नहीं नहीं बाबा, मेरा मतलब है कि वो अंग्रेजी लोग कहते ना विलायत में फिरौन, फिरौन का पता नहीं क्या बोलते हैं, फॉरेन बोलते हैं, फिरौन नहीं। और बीबी एक बात समझ लो, यहाँ पर ये तमाशा नहीं चलेगा, समझी? तो और क्या करूँ, तेरे जैसी भाजाई जिसकी होगी तो उसका तो यही हाल होना है ना। ओ ज्यादा शबनम बनने की जरूरत नहीं है, और अगर यहाँ रहना है ना तो इस घर का काम काज करना होगा। वाह 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 बेगम क्या बात की है, वाह 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 वाह। क्या अदा तूने सुना नहीं कि ये क्या बोल रही है? अरे बाबा सुना, इसने सही कहा, अपने घर के काम करने में कैसी शर्म। अबे तुम लोग मुझे घर में नौकरानी बना के रखोगे, मेरा ये वक्त भी आना था जी। और अगर यहाँ रहना है तो ऐसा ही करना होगा, वरना अपने घर का रास्ता नापो, समझी? करती है मेरी जूती, मेरी करती कोई काम आप। अरे बाबा सही मुझे कहाँ फंसा दिया, मैं तो पिस के रह गया हूँ। अरे बाबा सही तरीके से धा धो जा। खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। क्या हुआ, जरीना ने काम शुरू किया? नहीं बाबा वो कह रही है कि हाँ हाँ वो कह रही थी कि उसने काम नहीं करना है ना। हाँ तुम्हें कैसे पता चला सही, वो तो कैमरा तो नहीं लगा तुमने कहीं कमरे में? नहीं मेरे पास कोई कैमरा नहीं लगा, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो यहाँ पर मेरी जिंदगी धोभर करने आई है और कुछ नहीं। अरे बाबा सही तो फिर मैं क्या करूँ, मैं तो चारे की तरह पिस गया हूँ दोनों के बीच में। बच्चू तुम कभी ये भैंसों और चक्की और चारे के बीच में से बाहर निकलोगे कि नहीं निकलोगे? हाँ तो ठीक है फिर मेरी बात सुनो भाई, मैं आधे आधे का मालिक हूँ या नहीं हूँ, तो बस फिर मैं अपनी बहन को रखना चाहता हूँ, तुम भी अपनी बहन को बुला लो। बच्चू मैं इकलौती हूँ। तो पापा इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। बच्चू तुम्हें नहीं लगता तुम कभी कभी अपनी हदूद से ज्यादा बातें करते हो? नहीं बाबा मुझे तो नहीं लगता। ठीक है आप अपनी बहन को रखें इस घर में, लेकिन फिर मैं भी अपने ऑफिस के कामों के लिए एक मैनेजर रखूंगी बस। हाँ बाबा रख लो मसाजर, रख लो मसाजर नहीं मैनेजर। और तुम ना अपनी उस बहन को जाकर बता दो इस घर में चलेगी तो सिर्फ मेरी। हाँ आदि आदि। बच्चू माय कॉमबॉय, तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी बीवी की सिर्फ आधी बात सुनी जाए इस घर में? अरे नहीं बाबा मैं हूँ ना बच्चू है इधर, मैं संभालता हूँ बात करता हूँ मैं हूँ। ठीक है फिर बता दीजिएगा उसको। हाय वाह लासाई वाह, केडी खूबसूरत है, सोनी छोकरियों हैं, कितने प्यारे प्यारे बड़े बड़े बाल। हाय 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 मेरे बाल तो छोटे हैं,
कितने खूबसूरत चेहरे हैं भाई, नरम नरम। अल्लाह साईं, मां भी पंजो चेहरो सही करे बैठा। जरीना, ओ मेरी जरीना, जरीना, जरीना किधर चली गई है बाबा? जरीना, अरे बाबा किधर चली गई मुंजी प्यारी अदी? जरीना, ओ जरीना। बच्चू, बच्चू कहाँ है ये? बच्चू, बच्चू। जरीना, मेरा ख्याल है जरीना चली गई। और जो बच्चू है ना, वो उसको छोड़ने गया होगा। ये यार क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? ये मेरे कमरे में क्या कर रही है? अरे बाबा सही में वो इसको बाहर ढूंढ रहा था, कमरे में से मुझे चीख की आवाज आई बाबा। मैं अंदर जब भाग के आया हूं तो पता चला कि चुड़ैल मेरे सामने आ गई बाबा। मैं तो डर के बेहोश हो गया था। तो जब तुम्हें मेकअप करना नहीं आ रहा, तुम मेरे मेकअप में घुसी क्यों? मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी घुसूं, मेरे आधा बच्चू का घर है। तुम्हारे भाई का ये घर सिर्फ आधा है, बाकी आधे घर की मालकन मैं हूँ। बच्चू, बताया नहीं तुमने इसे? अरे बाबा इसको बताने वाली क्या बात है बाबा, वो आधा मेरा जो है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है, तो इस बेचारी का भी तो कुछ हुआ ना। इस खुशफहमी में बिल्कुल मत रहना, समझे? क्योंकि जो मेरा है वो मेरा ही है, और जो तुम्हारा है ना वो भी मेरा ही है, समझे? पूरा पूरा आधा 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 बच्चू, ये क्या कह रही है? अरे बाबा सही, ये जो कह रही है ना वो सच ही कह रही है। अरे सच इतना बुरा लग गया इसे? अरे बाबा भोली है ना, बिल्कुल भैंस की तरह। भैंस? क्या मैं उठाता हूँ बाबा, मैं समेटता हूँ। प्लीज जरा कोई ढंग के लोग भेजेगा। हाँ थैंक यू। बच्चू, बच्चू, बच्चू। अरे क्या हुआ मेकअप, भैंस भाग गई क्या? बच्चू ये क्या, हर वक्त आप भैंस बाड़े और तबेलों के पीछे फंसे रहते हैं। अब खैर छोड़े, मैंने आपको बताना था कि वो मैनेजर के लिए लोग आएंगे। अरे बाबा मैनेजर के लिए लोग क्यों आ रहे हैं, जबकि अभी तो मैनेजर भी नहीं आया है। ओहो, मेरा मतलब है कि मैनेजर के इंटरव्यू के लिए। ये मैनेजर का इंटर क्यों क्या है? इंटर क्यों नहीं, इंटरव्यू मतलब जिन लोगों को मैंने नौकरी पे रखना होगा उनसे बातचीत करके उनका इंतखाब करूंगी ना। क्या आप गैर मर्दों से मिलकर उनका इंतखाब करेंगी? ओफो, मैनेजर की पोस्ट के लिए इंतखाब करूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, बस ठीक है फिर, मैं भी आपके साथ ना इंटरेस्ट लूंगा। इंटरेस्ट? अरे इंटरेस्ट नहीं, इंटरव्यू। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मगर सुने आपको कसम है आप अपना मुंह कम से कम खोलिएगा। लेकिन बाबा अगर मुंह नहीं खुलेगा तो बात कैसे करूंगा? बात मैं करूंगी ना, आप बस वहाँ बैठ जाइएगा, अगर हो सके तो अपना हुलिया भी थोड़ा ठीक कर लीजिएगा ना। हुलिया? अच्छा ठीक है बाबा ठीक है। और वो अपनी जो बहन है जरीना, उसको भी जरा समझा के कहीं साइड पे कर लीजिएगा, ये ना हो मेरी बेइज्जती करवा दे वो। अरे नहीं बेगम आप परेशान नहीं हो, उसको मैं संभाल। बस ठीक है, थैंक यू। अरे बाबा सही आओ, किसकी बारी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सुना है आप यहाँ लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं। जी जी। अरे बाबा ये शहर की लड़कियों को क्या हो गया है? वैसे ये फिल्म बहुत मजे की लग रही है, इसको भगाना नहीं, मैं बैठ के मजे से देखूंगा। बच्चू तुम चुप करो, मैं बात कर रही हूँ ना। आप जी आप अपनी फाइल दे दीजिए मुझे, आपका डेटा मेरे पास आ गया, कुछ हुआ तो मैं आपको कॉल कर लूंगी। ठीक है ठीक है, आप लोग जरूर बता दीजिएगा। ठीक है अब आप जा सकती हैं, मेरा मतलब है जा सकते हैं। थैंक यू।
सा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा। आओ बाबा आओ, किसका नंबर है? सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब मैं दूध वाला हूँ। अरे बाबा ये आया ना अपना भाई, ये बनेगा मैनेजर। नहीं नहीं साहब, मैं तो दूध वाला हूँ, दूध बेचूं। आप नए नए आए ना, तो मैं पूछने आया था आपको दूध तो नहीं लगवाना? अरे बाबा हमें दूध नहीं लगवाना, हमारा तो अपना दूध का कारोबार है। ठीक है साहब सॉरी। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, बैठो ना बैठो, बात करेंगे मिलके। बच्चों क्या कर रहे हो तुम? अरे भाई अपनी बिरादरी का आदमी है, बड़े अरसे बाद मिला। आ भाई आ तू बैठ ना बात। बच्चों बस करो भाई, आप जाए यहाँ से प्लीज। थैंक यू। अच्छा बाबा अल्लाह अल्लाह। ओह अरे बेगम ये क्या किया है, एक तो इतने अरसे बाद अपना बंदा मिला है, उससे भी बात नहीं करने दी है तुमने। बच्चू ये क्या कर रहे हो तुम? बाबा नीचे बैठा है हम। ऊपर बैठो सोफे पे। सोफे पे बैठो। अच्छा कोई एक भी ढंग का नहीं है, क्या करूं मैं? खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। कोई एक ढंग का आदमी जो आया हो आज। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अरे जानी तुम बैठो ना। अरे बाबा ये क्या है जानी जानी, ये कौन है? अब ये पुराना मुलाजिम है हमारा, नाम है इसका जानी। असल में जब बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे, बड़े लोगों को जॉब से निकाला, ये बेचारा भी उसे लपेट में आ गया था। अच्छा अच्छा गरीब आदमी गरीब। आपसे दोबारा मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, अजीब उसने इत्तेफाक है। हाँ अच्छा हुआ ना तुम भी आ गए पोस्ट के लिए। बस तो फिर किसी और की क्या जरूरत है, अब तो मैं आ गया हूँ आपका मैनेजर। शुक्र है, मैं तो समझी थी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा मैडम ने कह दिया ना बंदा रख दिया, तुम जा सकते हो। अब ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। अच्छा नौकर है बेटा, फटाफट दो गिलास पानी लिया। अबे ओ बच्चू आराम से, अब जानी ये मेरे शौहर है बच्चू। हैं? ऐसा ही करना था तो हमें क्या कमी थी मैडम। अबे ओ अबे क्या हो लगा रखे, गुंगा है क्या? अरे बाबा क्या मतलब है तेरा? कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे मैडम ये हादसा कब हुआ? अब कौन सा हादसा? ओहो मेरा मतलब शादी कब हुई? अब बस हो गई। औरा मैं मालिक भी हूँ यहाँ का। अच्छा तो मालिक रखा हुआ तुम्हें? अरे बाबा क्या मतलब है रखा हुआ है, मैं कोई दूध हूँ जो फ्रिज में रखा हुआ है? दूध से याद आया मैडम, आपका दूध का कारोबार कैसे चल रहा है, ये डब्बे का? अच्छा चल रहा है, उसी के लिए तो तुम्हें मैनेजर बुलाया। अच्छा अच्छा सब समझ आ गया मुझे। अरे बाबा जितनी तेज तुम्हारी जबान चलती है ना, अगर हाथ चला लेते तो दो बाल्टी ज्यादा निकाल लेते दूध। अरे भाई ये बार बार आप दूध का क्या जिक्र कर रहे हैं, दूध की फैक्ट्री में पैदा हुआ है क्या? अरे नहीं बाबा हमारा अपना दूध का कारोबार है। अच्छा अच्छा सब समझ में आ गया मुझे, ऐसा करें मैडम एक गिलास पानी तो पिलाएं। ओ बाबा खुद जाकर पी लो, अभी कोई नौकर नहीं रखा हमने। असल में जेब इजाजत नहीं दे रही ना आजकल। समझे आपका ये मसला हल हो गया। वो कैसे बाबा? भाई नौकर का काम भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, इस बहाने जरा रहने की जगह भी मिल जाएगी, बस आपने तनख्वाह में इजाफा कर देना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बस ठीक है पक्का पक्का। कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा। तो यानी हशमत साहब की वजह से हाँ किया आपने? हाँ मगर एक बात बोलूं, ये बच्चू है बड़ा अच्छा इंसान। इंसान जानी पूरी बात। मैडम आपको तो पता है कि बस मुझे जरा मजाक की आदत है। हाँ वो मुझे पता है। अच्छा असल में हमेशा गांव में रहे लोग, सीधे साधे हैं बड़े। सुनो तुम जरा ना ख्याल रखना। बस मैडम अब मैं आ गया हूँ, आपको टेंशन लेने की अब कोई जरूरत ही नहीं है। अरे बाबा आपकी बातें अभी जानी से खत्म नहीं हुई हैं। अरे सर आपकी तो इतनी तारीफें हो रही है क्या बताऊँ मैं। अच्छा वो क्या? भाई ये बतानी थी कि आप एक वक्त में दोनों हाथों से दूध निकालने की महारत रखते। अच्छा ये कहाँ, वाह वाह सीमा बेगम क्या बात है, ये तो कुछ भी नहीं है जानी। अच्छा मैं तो एक वक्त में दो पैसों से दूध निकालने की महारत रखता हूँ। बच्चू कंट्रोल।
अच्छा 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 वो आप जरा अंदर आए ना, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आओ चलो। अरे बाबा मैंने अपनी बेगम को बोला, आपको थोड़ी बोला, बैठो। हाँ, अच्छा चले। अब अच्छा जानी, वो मैं ये कह रही थी कि तुम यही बैठो, मैं ना एक और वो बेगम ये यही है, आराम से बात कर लेना, अभी मेरी बात सुनो। चले चले चले। वाह क्या जोड़ी है, ऐसा लगता है एल्फी से जोड़ी है। हेलो, आई एम जानी, यहाँ की मालकन सीमा मैडम का मैनेजर। आप कौन? ये मुझे अदा जो घर आए, माँ जरीना। चाहते हो काटे तो बनी? क्या क्या कुछ नहीं, काटे तो बनी, काटे तो बनी, मैं तो सही। अरे मैं खट्टा मीठा सही, आप भाग जाओ सही। अरे इतनी इज्जत से शादी की है, सब कुछ हो गया, भागने की क्या जरूरत? नहीं सही बेगम, आप समझ नहीं रहे हो, आप बस भाग जाओ मेरी बीवी सीमा को मारने के लिए मेरे गांव से। गुंडे बुला लिए, मेरे रिश्तेदार सही, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अब आज घर तो यही है, मुझे अपने गांव की खुशबू आ रही है। आ सुनो भाई, लोग पुलोग अंदर जा रहे हैं, कोई बाहर तो आ नहीं रहा। कुछ दिनों में आपकी रूह बाहर आने को है, चाचा मियां जाके इबादत करें। रंगीले मियां हूं यार, मोहल्लेदार हूं, 1000 डब्बों की डील बना के आया हूं, और अब मैं नाश्ता बनाने जा रहा हूं। तुम क्लाइंट से इस होलिये में बात कर रहे थे? ओए दुश्मना,